एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड में क्या फर्क है, यानी हमें कब बोलना चाहिए डिसइंटरेस्टेड और हमें कब बोलना चाहिए अनइंटरेस्टेड। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर हम बात डिसइंटरेस्टेड की करें तो इस वर्ड का मतलब होता है निस्वार्थ, यानी विदाउट पर्सनल एडवांटेज, बिना किसी खुद फायदे के। वही बात अगर हम अनइंटरेस्टेड की करें तो इस वर्ड का मतलब होता है दिलचस्पी की कमी, यानी किसी चीज में रुचि की कमी। लगता है आप समझे नहीं, आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। आइए सबसे पहले डिसइंटरेस्टेड का कंसेप्ट समझें। आइए सबसे पहले डिसइंटरेस्टेड के बारे में जानते हैं। वर्ड डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निस्वार्थ, यानी विदाउट पर्सनल एडवांटेज। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो, बहुत सारे उस्ताद निस्वार्थ भाव से पढ़ाते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे उस्ताद हैं जो बिना पर्सनल एडवांटेज के पढ़ाते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मेनी टीचर टीच इन अ डिसइंटरेस्टेड मैनर। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस से बोला इन अ डिसइंटरेस्टेड मैनर, जिसका माना हुआ निस्वार्थ भाव से, यानी बिना किसी पर्सनल एडवांटेज के। अगर आपको कहना हो मैं आपको निस्वार्थ भाव से मदद करता हूँ, यानी मैं आपको मदद इस नियत से करता हूँ कि इसमें मेरा कोई सेल्फ एडवांटेज नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हेल्प यू इन अ डिसइंटरेस्टेड मैनर, यानी मैं आपको निस्वार्थ भाव से सहायता करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा कि डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निस्वार्थ, यानी विदाउट पर्सनल एडवांटेज, बिना किसी व्यक्तिगत फायदा के। अगर हम बात अनइंटरेस्टेड की करें तो अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है दिलचस्पी की कमी या ना पसंदीदा। यानी इस वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई इंसान किसी चीज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो ही इज अनइंटरेस्टेड इन इट, यानी उस आदमी को इसमें ज्यादा रुचि नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे इस गेम में दिलचस्पी नहीं है या मुझे इस गेम में रुचि नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम अनइंटरेस्टेड इन दिस गेम। हालांकि आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस गेम, यानी इस गेम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है या रुचि नहीं है। अगर आपको कहना हो इस योजना में उसे कोई रुचि नहीं है या कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज अनइंटरेस्टेड इन दिस प्लान। आप ये भी कह सकते हैं ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्लान, यानी इस योजना में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है या रुचि नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निस्वार्थ, यानी विदाउट पर्सनल एडवांटेज, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। वही बात अगर हम अनइंटरेस्टेड की करें तो उसका मतलब होता है दिलचस्पी की कमी या किसी चीज में रुचि न होना या दिलचस्पी न होना।